जॉयस्टिक इतना पावरफुल सेंसर है जिसका यूज एयरप्लेन उड़ाने में, फाइटर जेट उड़ाने और फायरिंग करने के लिए, जेसीबी क्रेन्स को ऑपरेट करने में, यहाँ तक कि आजकल गेमिंग का जो ये रिमोट आता है इसमें भी जॉयस्टिक सेंसर लगा रहता है। इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से जॉयस्टिक की वर्किंग को समझेंगे। जॉयस्टिक का काम करने का तरीका सभी एप्लीकेशन में सेम ही होता है, तो हम वीडियो गेम वाले रिमोट के जॉयस्टिक की वर्किंग को समझते हैं। इस रिमोट में यह जो बटन है इसी को जॉयस्टिक बोलते हैं। यह अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करता है। बेसिकली जॉयस्टिक सेंसर हमारे हैंड मूवमेंट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे डिजायर्ड इनपुट के अकॉर्डिंग गेम के अंदर एक्टिविटी करता है। जॉयस्टिक को ओपन करके इसके वन बाय वन पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं वह है यह बटन। इस बटन के नीचे जॉयस्टिक होता है जो हमारे हैंड मूवमेंट को कैप्चर करके आगे ट्रांसफर करता है। जॉयस्टिक का कंप्लीट मैकेनिज्म एक मेटल की हाउसिंग में बंद रहता है कुछ इस तरीके से। हाउसिंग को हटाने पर जॉयस्टिक बंद रहता है इन दो फॉलोवर्स के अंदर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। इन्हीं की वजह से जॉयस्टिक अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव करता है। यदि इन फॉलोवर्स को हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल रोटेशन हो रहा है और इसी रोटेशन को कैप्चर करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफर किया जाता है। दोनों फॉलोवर्स के ऊपर की तरफ लगे रहते हैं दो पोटेंशियोमीटर जो इस मूवमेंट को नोट करते रहते हैं। एक फॉलोवर एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालता है और दूसरा वाई एक्सिस की। जॉयस्टिक के पीछे जो डिवाइस मेनली काम करती है वह पोटेंशियोमीटर ही है। यह दोनों पोटेंशियोमीटर जॉयस्टिक के लेफ्ट राइट एंड अप डाउन मूवमेंट से पता करते हैं कि जॉयस्टिक को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना मूव किया गया है। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गेमिंग कर रहे हो और आप कोई कार चला रहे हो गेम के अंदर। यदि हमें कार को राइट टर्न लेना है तो हम जॉयस्टिक को राइट की साइड में मूव करेंगे, तो इस राइट मूवमेंट से पोटेंशियोमीटर पता करता है कि एक्स एक्सिस में कार को राइट साइड में कितना टर्न दिलवाना है। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में हमारे राइट मूवमेंट से एक्स एक्सिस की एक वैल्यू निकालता है और फिर उतना ही कार को राइट साइड में मोड़ देता है। थोड़ा सा इसको और सिंपल करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की वर्किंग को समझना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर बहुत ही सिंपल होता है जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। मानकर चलते हैं एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेजिस्टेंस है, इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है एक बैटरी से। इस रेजिस्टेंस के बीच में हम एक पॉइंट बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और यहाँ पर बैठ जाते हैं। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब यह करंट इस पॉइंट पर पहुँचेगा जहाँ पर हमने मार्क किया है, तो क्या यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह जो इतना रेजिस्टेंस है इसने बहुत सारे वोल्टेज को कंज्यूम कर लिया है और यहाँ पर आते आते वोल्टेज आधा बचेगा, लगभग मानकर चलते हैं 2.5 वोल्ट। और इस 2.5 वोल्ट पर रेजिस्टेंस की लेंथ 5 सेंटीमीटर के पास होगी, तो इस वोल्टेज से जॉयस्टिक पता करता है कि 5 सेंटीमीटर जॉयस्टिक को एक्स एक्सिस पर राइट साइड में मूव किया गया है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वह लेंथ के डायरेक्ट प्रपोजन में होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और वोल्टेज कम होता जाएगा। इस जॉयस्टिक का लेफ्ट से राइट मूवमेंट पर एक स्केल होती है और उस स्केल पर जो वोल्टेज हमें मिलता है अलग अलग जगह पर, उसी से जॉयस्टिक एक्स एक्सिस में मूवमेंट करके गेम में चल रही कार को सिग्नल देता है जिसे वह टर्न लेती है। पोटेंशियोमीटर के अंदर जो 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है उसको यह 1023 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट भी यह कैप्चर कर लेता है। मैंने आपको पोटेंशियोमीटर की एक बेसिक वर्किंग को समझाया है, एक्चुअल में यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो यहाँ पर इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। जॉयस्टिक के अंदर पोटेंशियोमीटर की डिजाइन कुछ इस तरीके की होती है। यह ट्रैक जो एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो मैंने पीछे स्केल बताई थी, ठीक वैसे ही ट्रैक के ऊपर लगा रहता है वाइपर और वाइपर ही रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने का काम करता है। इसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है। ट्रैक के अंदर 3 पिन दिखाई दे रही है, इनमें से बीच वाली वाइपर से जुड़ी रहती है, रिमेनिंग 2 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होती है। वाइपर ट्रैक से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके की होती है।
तो जब हम जॉयस्टिक को अप डाउन या लेफ्ट राइट करते हैं तो असल में हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि वाइपर ट्रैक की इस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो करंट इधर से होते हुए वाइपर के इस पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर इधर से होते हुए वाइपर के अंदर वाले रेजिस्टेंस से होते हुए अपना पाथ पूरा करेगा। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिला इतना बाहर वाले ट्रैक में और इतना अंदर वाले ट्रैक में। यदि हमने जॉयस्टिक को पूरा राइट में कर दिया तो अब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज रेजिस्टेंस मिलेगा इस ट्रैक पर। अब हम लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक को लेकर जाते हैं तो अब की बार करंट इधर वाली पिन से आएगा और वाइपर से अपना पाथ पूरा करेगा और एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू भी निकालेगा। तो इस तरीके से दोनों पोटेंशियोमीटर एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू निकालकर माइक्रो कंट्रोलर को देते हैं, जो सही से कैलकुलेशन करके हमने जो इनपुट दिया है उसको एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करता है। स्टिक के अंदर एक नीचे की तरफ पुश बटन होता है जो गेम के अंदर किसी भी चॉइस को कन्फर्म करने के काम आता है। इसके अलावा स्टिक को वापस सेंटर में लाने के लिए इसके पीछे एक स्प्रिंग भी होती है। करेंस में जो जॉयस्टिक होता है वह जिस तरीके से करंट रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो हो रहा था अभी जो अपन ने डिज़ाइन देखी थी उसमें, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ऑयल का फ्लो होता है प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए। फाइटर जेट और एयरप्लेन में जो जॉयस्टिक होता है उनको साइड स्टिक भी बोलते हैं और इसके ऊपर कुछ बटन होते हैं और इनकी डिज़ाइन भी कुछ अलग होती है। इनकी वर्किंग प्रोसेस सेम ऐसी ही होती है जो अभी अपन ने बात की थी, लेकिन फाइटर जेट में दिए गए बटन से फायरिंग भी की जाती है। एयरप्लेन में पुराने टाइम में जॉयस्टिक कुछ अलग टाइप का था जो केबल की मदद से रडर, एलिवेटर एंड एलरोन्स को कंट्रोल करता था, जो कुछ इस तरीके से काम करता था। लेकिन आज के टाइम में वायरलेस जॉयस्टिक होता है जो इन सबको आसानी से कंट्रोल कर लेता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के। यदि आपको रडर, एलिवेटर एंड एलरोन्स क्या होता है नहीं पता तो इस बेहतरीन वीडियो को आप देख सकते हो जो आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ अड्डा की वीडियो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है जिसकी वजह से चैनल को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और मैं आपको हमेशा ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। यदि आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से patreon.com पर जाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मैंने कुछ स्पॉन्सरशिप भी ली थी कुछ वीडियोस में, लेकिन मुझे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और अब मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहता क्योंकि स्पॉन्सर्स की ऐसी डिमांड होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एक वीडियो फ्लॉप चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको सही नज़रिए से देखोगे। इसके अलावा जॉयस्टिक सेंसर की आपको वर्किंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।